in Montessori. Oh. Montessori, see. हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन ब्लॉगर में। तो गाइस, आज की जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है वो होने वाली है लखनऊ का रिवर फ्रंट। तो हम अमन भाई को कॉल किए हैं, वो अमन भाई हमें चौक में मिलेंगे। तो चलिए हम चौक चलते हैं एंड उसके साथ आपको घुमाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं रूमी दरवाज़ा और अमन भाई हमको यहीं पे मिलने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं, अमन भाई वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं अमन भाई हमारे मिल चुके हैं, हम बहुत ढूंढ रहे थे ने, ये गायब थे। बार बार झूठ बोलो। तो अमन भाई देख रहे थे थोड़ा माहौल क्या है। अच्छा अच्छा, तो कहाँ चलने वाले हैं भाई आज? मरीन ड्राइव। ओ, सुना है लखनऊ में मतलब मरीन ड्राइव बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह है। बहुत ज़्यादा, शाम का तो माहौल वहाँ का बहुत ही अच्छा। हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो आपको रात तक पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो पे आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है। और आपके लिए एक खुशखबरी और है कि अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ घूमना चाहते हैं तो हम आपको वहाँ पे ज़रूर घुमाएंगे। अमन भाई की छुट्टी होने वाली है फिर। चीटिंग 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 करता है तू। कहाँ से छुट्टी? मतलब पब्लिक आप बताएगी हम लोग को कहाँ घूमना है। तो गाइस चलिए चलते हैं। रिवर फ्रंट पार्क, रिवर फ्रंट की पार्क की बात करी जाए तो ये आपको मिल जाता है गोमती नगर में। और गोमती नगर लखनऊ का एक ख़ास हिस्सा है क्योंकि सबसे तेज़ ग्रो होने वाले एरिया में से गोमती नगर भी एक एरिया माना जाता है। और गोमती नगर की कॉलोनी एशिया की सबसे लार्जेस्ट कॉलोनी मानी जाती है। और गोमती नगर की खूबसूरती की बात करें जाए तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल्स मिल जाते हैं। अंबेडकर पार्क भी यहीं पे है और रेनेसा जो बहुत फेमस होटल है वो यहीं पे मिलता है आपको। और इस ब्रिज की बात करी जाए तो ये अपने आप में ही एक घूमने की जगह है क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। यहाँ की गोमती नदी आपको एक अलग नज़ारा देती है और आपको घूमने का एक अच्छा एहसास भी देती है। सो गाइस, हम लोग लखनऊ के मरीन ड्राइव आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं रिवर फ्रंट पार्क में, चलते हैं अंदर। सो गाइस, हम लोग इंटर हो रहे हैं रिवर फ्रंट पार्क के और हम लोग ने टिकट ले लिया है। जो टिकट की कॉस्ट पड़ी है वो हम लोग को 10 रुपीज़ पर हेड पड़ी है। पार्क के अंदर घुसते ही अमन भाई को देख सकते हैं, भूख लग चुकी है एंड भाई हमारे यहाँ पे सामान ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं अमन भाई? पार्क के अंदर आती तो यहाँ पे हम लोग ने भेलपूरी ले लिया है भैया से। तो तो भैया आप यहाँ पे कब से लगाते हैं? यहाँ हो गए करीब 10 साल। यहाँ पे 10 साल हो गए हैं यहीं पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो भैया यहाँ पे लगा रहे हैं इनको यहाँ पे 10 इयर्स हो चुका है। राम भैया हम लोग को बताने वाले हैं पार्क के बारे में कुछ खास बातें। तो पार्क कब बना था आप बता सकते हैं हमारे पब्लिक को? ये अखिलेश सरकार में पार्क बना था और जब ये पार्क बना था तो इतना सुंदर था जी। माउंटेन फुहारे जी, स्टीमर वगैरह सब चलते थे यहाँ पे। जब से लाए थे अखिलेश जी फुहारा, फ्रांस का फुहारा था जो यहाँ चल रहा था, कलरदार पानी निकलता था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सुंदर था। म्यूजिक फाउंड ये सब चलते थे यहाँ। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग पार्क के अंदर आए हैं और पार्क के अंदर घुसते ही हम लोग को एक फाउंटेन दिख गया। तो ये देख सकते हैं फाउंटेन को। सो अमन भाई, आपको जो हम लोग के पार्क के अंदर घुसते ही जो फाउंटेन स्वागत करता हुआ वो कैसा लग रहा था? बहुत ही ऑसम। ऐसा फाउंटेन हमने शायद ही कहीं we
₹10 का टिकट है एंड यहाँ पे आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत यहाँ पे दोबारा चेकिंग नहीं होगी, दोबारा चेकिंग नहीं होगी, अगर हो गई तो आपकी किस्मत। मैं तो कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लोग मिले हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ बाबू? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम त्रिशा है। अच्छा अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं थर्ड क्लास में। वेरी गुड, एंड आप? शी इज इन मॉन्टेसरी। ओ मॉन्टेसरी सी। तो कुछ इस टाइप का नजारा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक अंकल मिले हुए हैं, वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो अंकल यहाँ पे आप शाम को रोज डेली घूमने आते हैं? हाँ शाम को रोज़। कैसा लगता है आपको यहाँ पे घूमने? अच्छा लगता है, सन्नाटा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सन्नाटा रहता है। और यहाँ पे रोड वगैरह कैसी है यहाँ पे? गाड़ी वाड़ी नहीं चलती इसलिए। अच्छा, तो मतलब इस रोड पे गाड़ी नहीं चलती? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और शाम को चिल कर। देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे शाम बढ़ती जा रही है, यहाँ पे लोगों का आना जाना और यहाँ की सुंदरता भी बढ़ती जा रही है। तो गाइस देख सकते हैं जब हम उस टाइम थोड़ा उजाला था तो वहाँ पे कैसा नज़ारा लग रहा था, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो यहाँ का एक अलग ही नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है और लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे शाम का व्यू है, यहाँ पे कितना प्यारा व्यू लग रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है भाई लोग यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और इन्होंने भाई लोग की एक पेंटिंग्स बनाई है, हम आपको पेंटिंग दिखाते हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं भाई की यहाँ पे भाई लोगों ने पेंटिंग बनाई है, तो कैसा लग रहा है भाई पेंटिंग बन के आपको? बढ़िया लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट का काम करते हैं एंड यहाँ पे ये पार्ट टाइम एज आ काम कर रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स भाई लोग ने बनाए हैं, ये देख सकते हैं उम्दा बनाया हुआ है। और इनके कारीगरी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आप यहाँ लखनऊ में हैं तो अगर आपको पोर्ट्रेट्स बनाने हैं तो भाई लोग से आप इसी टाइम आप लोग यहाँ पे मिल जाएंगे? हाँ, 6 बजे हम लोग यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, और हाँ, तो आप जैसे किसी का भी लाइव पोर्ट्रेट है, किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हो एक अच्छा, तो सबसे आके आप लाइव बनवाइए 10-15 मिनट में, तो या फिर आप सामने बैठ के जैसे ही बनवा सकते। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, पेरेंट्स वगैरह उनका पोर्ट्रेट्स बनाना चाह रहे हैं, तो भाई लोग से आप पोर्ट्रेट्स एक बार ज़रूर बनवा सकते हैं। और आपसे सोशल मीडिया में कैसे कनेक्ट हो सकती है हमारे पास? सोशल मीडिया में जैसे आपको कनेक्ट होना है तो मेरा शुभम विश्वकर्मा पेंटिंग से एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए जाके। और बाकी मेरा शुभम आर्ट्स 567 इंस्टा आईडी है, आप फॉलो करिए उस पर, आप वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके हमें कॉन्टैक्ट कर। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको बता देता हूँ, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9140256 57। तो गाइज आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग भाई लोग से अलविदा चाहते हैं, तो आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमारे भाई लोग मिले हैं, तो भाई लोग से पूछेंगे कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा था, अच्छा टाइम स्पेंड किया दोस्तों के साथ। अच्छा अच्छा, तो किस टाइम आए थे आप लोग यहाँ पे? भाई लोग आए थे सनसेट के टाइम। तो नहीं है, लेकिन वही सबसे बेस्ट टाइम भी है आने का, क्योंकि आपको रिवर से जो सन का व्यू मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है बेसिकली। और जो सन को डूबते हुए देखते हैं वहाँ की पिक्स बहुत अच्छी आती हैं, और जो वहाँ के गुंबद है उसमें बैठ के आप जो फोटो लेते हैं वो बहुत ही अच्छा अमेजिंग रहता है। तो बहुत ही पीसफुल एटमोसफेयर है। तो क्या कह सकते हैं ये लखनऊ का गोवा है?
क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि यहाँ पे आपको बीच का मजा मिल जाता है और यहाँ पे मतलब अगर जैसे मुंबई वगैरह में आपको सी मिल जाता है तो हमारे लखनऊ की कम नहीं है, तो इसलिए हमारे पास नदी है। ओवरऑल हमारी व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, एक बार ही आए विजिट करें, अच्छा टाइम स्पेंड होता है यहाँ पे दोस्तों के साथ और कपल्स वालों के साथ, तो और अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और नदी नदी का बिल्कुल ख्याल रखें, आके कुछ में मत फेंकें, खासकर प्लास्टिक। सो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड पूरा हम लोग का ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। एंड ये आपको ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे लखनऊ में रहते तो एक बार विजिट ज़रूर करिए, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मेक श्योर यहाँ पे अगर आ सकते हैं तो आइए और एंजॉय करिए। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।